लोग कहते हैं, अभी कह रहे महाराज, वो चौके की चप्पल अलग होती है। देखो मुझे गुस्सा मत लाओ, एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, उस पर जूतों का विज्ञापन छपा था, जैन कॉमिक्स था, सुकुमाल या सुकुल चरित था, कॉमिक्स था। मैंने उनसे कहा, वो आए ब्रह्मचारी पंडित थे, मैंने कहा भैया ये जूते का चप्पल का विज्ञापन आपने, बोले महाराज आप गौर से देखिए ये चमड़े के नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास जूता नहीं है, नहीं तो फिर मैंने कह दिया, मैंने कि पंडित जी मैं अभी कहता हूं कपड़े के जूते लाना और तुम्हें जम के मारे जाए, तुम क्या जूते क्यों मार रहे हो? पंडित जी चमड़े का नहीं है। वो चौके की चप्पल यदि कोई को धमाधम मारी जाए तो नहीं नहीं अरे तो चप्पल क्यों मारा, अरे ये सोना की चप्पल है, चुप बैठ चुप बैठ, ये सोना की चप्पल है, बिल्कुल शुद्ध चौका की, कभी चौका से बाहर नहीं आई। यदि पिटने में सोना की चप्पल पहनने से अवभाग मानो तो फिर तुम रसोई में भी सोने की ले जा सकते हो। जो जो मानता हो पहले तो उसमें वो ही मारना, और ये कह के सोने की चप्पल है, अरे भैया चप्पल जूता सोने का क्यों ना हो, जूता चप्पल तो जूता ही रहेगा, उपानय कहते हैं इसको। कोई शुद्ध नहीं होता, लोहे की हो चाहे चांदी की हो सोने की हो, लकड़ी की पहाड़ी क्यों ना हो, पैरों में पहनने वाली वस्तु अशुद्ध ही होती है। क्या हो गया, जूते का क्षेत्र क्या था, एक मर्यादित स्थान था, वहीं सब जूते रखते थे, पूरे घर में मत ले जाओ। स्कूल में लोगों ने जूते पहने, ज्ञान मंदिर में सरस्वती का ज्ञान, अंग्रेजों ने यही किया है, हमारे पहले रामचंद्र जी लक्ष्मण भरत बाहुबली आदि 16 साल तक वो नन्हे पैर, वो सुकुमार पैर, वो राजकुमार के पैर 16 साल तक नंगे पैर रहे, नंगे पैर 16 साल तक। राजकुमार दशरथ नंदन कुलभूषण देशभूषण नंगे पैर रहे, आश्रम में जूते चप्पल पहन के नहीं पड़ा। आज सब जूते, अंग्रेजों की यही नीति थी कि भारत की संस्कृति को भ्रष्ट कर दो, जब तक इनके मन सरस्वती मंदिर में ये लोग मान मर्यादा से जाएंगे तब तक इनकी खोपड़ी से कोई जीत नहीं पाएगा। मंदिर को भ्रष्ट करा दो, और नियम बना दिए अंग्रेजों ने कि स्कूल आते समय जूते चप्पल की आपकी ड्रेस है, जूते पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा पढ़ते समय जूते। ये अंग्रेजों की दुर्नीति थी, अपन नहीं समझ पाए। स्टैंडर्ड समझा और तुम्हें ये पता नहीं चला कि तुम्हारी संस्कृति को कुचल दिया गया।